आप लोग यहीं रुकिए। बॉडी पे कहीं भी जख्म या चोट के निशान नहीं है। मिस्टर राज करते क्या थे? जी सर, राज सर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जितने बड़े बिजनेसमैन उनके उतने ही ज्यादा दुश्मन। नहीं सर, राज सर की किसी से दुश्मनी नहीं थी। आप कब से काम कर रही हैं यहाँ? जी 5 साल। इसने ना दुश्मनी तो थी, वो ना खून नहीं होता। और आप लोग? मैं नैना मैम की असिस्टेंट हूँ। मैं राजी का ड्राइवर सर। कब से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से काम कर रहा था। मैं 1 साल से। एक बात समझ में नहीं आ रही है, राज साहब का इतना बड़ा घर है, 4-5 बेडरूम है, वो सब छोड़ के वो यहाँ इस कोने में इस कमरे में क्यों रहते थे? सर जब से राज सर की वाइफ अदिति उनको छोड़कर गई थी, सर का बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था। उनकी वाइफ के जाने के बाद ही सर ने इस रूम में सोना शुरू किया था। इस राज की वाइफ उनको क्यों छोड़ के गई आपको कुछ पता है? सर पता नहीं, राज सर ने कभी खुद होके बताया नहीं और मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। इस घर में इतने सारे कैमरे क्यों लगे हुए? वो सर को डर था कि कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ पाए, इसीलिए सर ने सब तरफ कैमरे लगा कर रखे थे घर की सिक्योरिटी के लिए। आखिरी बार आपने राज को कब देखा था? सर कल रात को 10 बजे, उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज जब मैं सुबह 8 बजे आई तो। तुम घर के अंदर आई कैसे? घर का दरवाजा खुला था। मेरे पास डुप्लीकेट कीज है, राज सर ने दी थी। मतलब जब सुबह तुम यहाँ पे आई तो दरवाजा अंदर से बंद था? जी हाँ। ओह, और आप लोग कहाँ थे जब राज साहब की मौत हुई? हम लोग तब स्टाफ क्वार्टर में थे। जब नैना मैडम की चीखने की आवाज सुनी तो हम लोग बंगले में भाग कर आए और आकर देखा तो राज जी। सर हो सकता है राज जी का खून हुआ ही ना हो, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई होगी। नहीं सर, राज सर को दिल की कोई तकलीफ नहीं थी और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। सर उनकी मौत में जरूर किसी और का हाथ है। खून तो हुआ है, वो भी तब जब मिस्टर राज घर में अकेले थे और घर अंदर से बंद था। पूरे घर को चेक करो, देखो खूनी कहां से आए। सर आप राज की पत्नी है ना? थी, अब नहीं हूं। पिछले 1 साल से हम लोग साथ नहीं रह रहे। जी हमें मालूम है, शायद ये जान के आपको धक्का लगेगा कि राज अब इस दुनिया में नहीं है। What? जी उनका खून हो चुका है। ये तो होना ही था, उसका व्यवहार ही कुछ ऐसा था कि उसे किसी से भी दुश्मनी हो सकती थी। लगता है मैडम अपने पति की मौत का ज्यादा दुख नहीं हुआ आपको? एक्स हस्बैंड, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम 1 साल से एक साथ नहीं रह रहे, बस तलाक भी होने ही वाला है। होने वाला था अदिति, हुआ नहीं है। कहीं राज के पैसों की लालच में तुमने ही तो? देखिए राज से ज्यादा अमीर मेरे पापा हैं, तो जितनी दौलत उसके पास अभी है मैं उससे ज्यादा ही देख चुकी हूँ। अच्छा तो फिर क्या वजह थी कि तुमने राज का खून कर दिया? आप लोग बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कहा ना कि मैंने राज का खून नहीं किया है। तो फिर किसने किया राज का खून? ये पता लगाना आप लोग का काम है, मेरा नहीं।
ना तो कोई कांच टूटा है, ना ही कोई खिड़की खुली है, फिर ये खूनी आया कहां से? सर अलार्म की आवाज आई और ये दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सर अभिजीत सर, इतनी टाइट सिक्योरिटी पहली बार देख रहा हूं। सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूं। राज ने इसको एक खुफिया कमरा बना रखा था, यहां पे स्टील का दरवाजा है, ये बंद हो गया है, मैं खोलता हूं इसको। क्या हुआ सर, दरवाजा खुल नहीं रहा क्या? नहीं शायद कोई खास मैकेनिज्म है इसको खोलने का। मामूली कमरा नहीं, ये तो पैनिक रूम है। पैनिक रूम, यहां बहुत सारे मॉनिटर लगे हुए हैं और मैं तुम लोगों को देख सकता हूं। ये पैनिक रूम क्या होता है? अरे पैनिक रूम ये समझो कि ये बड़ा सा रूम जो है ये लोहे का पिंजरा है, मुसीबत के वक्त मालिक अपने आप को यहां पे छुपा लेता है। पर सर आप इस पैनिक रूम से बाहर निकलेंगे कैसे? कोई ना कोई बटन होगा यहां पे। पासवर्ड मांग रहा है और पासवर्ड तो, अरे ये दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। जरा पूछो नैना से क्या पासवर्ड है। आपको इस दरवाजे का पासवर्ड मालूम है? मुझे इस दरवाजे के बारे में ही नहीं मालूम था तो पासवर्ड कैसे पता होगा? पूर्वी जरूर राज्य की पत्नी अदिति को मालूम होगा इस कमरे के बारे में। जी हाँ, या तो उनको पता होगा या फिर राज सर की सेक्रेटरी मोनिका को। क्या पैनिक रूम, लेकिन कैसे? ठीक मैडम, राज के घर में एक पैनिक रूम है, उसके बारे में कुछ पता है आपको? पैनिक रूम वो क्या होता है? राज ने अपनी सिक्योरिटी के लिए खास कमरा बनाया हुआ था, उसके बारे में कुछ तो पता होगा आपको। मुझे नहीं पता, पर वैसे भी ऐसे काम राज ही कर सकता है। देखिए मैडम ये मजाक का वक्त नहीं है, हमारे एक ऑफिसर उस कमरे में फंसे हुए हैं और वो कमरा सिर्फ पासवर्ड से खुलता है। आप ये बताइए कि पासवर्ड आपको मालूम है या नहीं? अच्छा मुझे कमरे के बारे में नहीं पता तो पासवर्ड कैसे पता होगा? सर कौन फंस गया उस कमरे में? अभिजीत सर। अदिति प्लीज जरा सोचिए, अगर राज ईमेल या किसी भी चीज का पासवर्ड रखते तो क्या रखते? मैंने कहा ना आपसे मुझे नहीं पता, और वैसे भी वो मुझे पासवर्ड क्यों बताएगा? देखिए आप लोगों के रिश्ते हमेशा से तो खराब नहीं रहे होंगे, कुछ तो अच्छा वक्त बिताया होगा आप लोगों ने। जब मेरे प्यार में था तो मेरे नाम का पासवर्ड बनाया था, अब शायद उस लड़के के नाम का बनाया होगा। किस लड़की के नाम का? मैं नहीं जानती कि वो कौन है, बस एक बार राज के साथ देखा था उसे रेस्टोरेंट में, और मुझे वहां देखकर उसके चेहरे का रंग ऐसा उड़ा जैसे उसके मानो कोई पोल खुल जाएगी।
आपने उस लड़की का चेहरा तो देखा था ना, स्केच बनवा सकती हैं? आप रेडी? आइए सर, यहाँ पे। राज की सेक्रेटरी मोनिका ने क्या कहा? उसे तो पासवर्ड के बारे में कुछ नहीं पता। सर, मोनिका और अदिति को पासवर्ड नहीं पता है तो हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा अभिजीत को बाहर निकालने का। दया, प्रॉब्लम यह है कि उस कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा है और उस दरवाजे का मैकेनिज्म अंदर की तरफ से, उस पैनिक रूम के दरवाजे का। अगर कोई कंप्यूटर वगैरह होता ना तो हम उसका पासवर्ड तोड़ देते। पता लगाना पड़ेगा कौन कर सकता है ये। इस लोहे के चैम्बर में ये एक जगह जहां से ऑक्सीजन आ रही है। अभिजीत, अभिजीत ठीक हो ना? आ गया, ठीक हो यार? हाँ, डोंट वरी, हम तुम्हारे फेवरेट डॉक्टर डॉक्टर तारिका को लाए नहीं है, डॉक्टर साहब क्या है। मोनिका एक बात बताओ, राज्य को क्या परेशानी थी? सर वो तो मुझे नहीं पता, पर राज सर कुछ दिनों से काफी डरे डरे से रहते थे, घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। इनफैक्ट उनकी सारी बिजनेस मीटिंग यहाँ इसी बंगले में होती थी। अच्छा, लगता है राज को अंदेशा था कि उसकी जान को खतरा है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कौन कर सकता है ये, कौन मार सकता है राज को? नहीं सर, मेरी उनसे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल बातचीत थी। राज सर काफी इंट्रोवर्ट टाइप के थे, ज्यादा घुलना मिलना उनके नेचर में नहीं था। और ये पैनिक रूम ये किससे बनवाया था, कुछ मालूम है? कोई विक्की नाम का आदमी था। विक्की? सर, अभिजीत तुम ठीक हो? हाँ सर, सर मैं बिल्कुल फिट हूँ सर, पर मुझे लाश की फिक्र हो रही है सर, लाश डिकम्पोज होनी शुरू हो गई है। हाय अभिजीत। सालुंके साहब, हाँ दिख रहे हैं आप मुझे, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ यार, लेकिन तुमने क्या जगह चुनी है यार छिपने की? हाँ चलो, आपको तो खुशी हो रही होगी, एक केस में सही अभिजीत का चेहरा नहीं देखने को मिलेगा। अरे भाई अपने छोड़ो, कम से कम लाश का चेहरा तो दिखा दो, फोटो खींच के भेज सकते हो? हाँ सर बिल्कुल, मैं अभी फोटो भेजता हूँ सर। गुड गुड। सर मैं ये फोटो आपके मोबाइल पे भेज रहा हूँ। ये देखो, लाश तो वाकई में सड़ना शुरू हो गई है। अच्छा अभिजीत, जरा चेक करो लाश में राइगर मॉर्टिस सेट हुआ है क्या? हाँ सर मैं देखता हूँ। रिगर मोर्टिस सेट होना शुरू हो गया है। लाश अकड़ना शुरू हो गई है, लाश सड़ भी रही है। बॉस, राज की मौत को 4 से 10 घंटे हो चुके हैं। 4 से 10 घंटे? यार ये भी कोई बात हो गई सालुंके, एक्यूरेट बता ना। अरे ठीक से तो तभी बताऊंगा ना यार जब लाश का टेम्परेचर पता लगे, लाश का टेम्परेचर मापना पड़ेगा। हाँ तो अभिजीत लेगा ना? क्यों अभिजीत? मैं? हाँ अभिजीत तुम। देखो तुम लाश का टेम्परेचर नाप सकते हो, देखो तुम्हारे आसपास कोई थर्मामीटर है क्या? अच्छा अच्छा, अच्छा।
मिल गया सर, अंदर फर्स्ट एड किट थी, इसके अंदर थर्मामीटर है। फैंटास्टिक। अब तुम्हें मैं जो बताने जा रहा हूँ ना अभिजीत, उससे तुम्हें साबित हो जाएगा कि फॉरेंसिक डॉक्टर बनना कोई हलवा खाने जैसी चीज नहीं है बस। अच्छा, ऐसा क्या करना है मुझे? करना ये है अभिजीत कि थर्मामीटर से तुम्हें लाश के लीवर का टेम्परेचर नापना है। ओके, लीवर का तापमान। लीवर का टेम्परेचर? अरे डॉक्टर साहब, लीवर तो शरीर के अंदर होता है ना। हाँ मालूम है, तुम एक काम करो, पेट को काटो और थर्मामीटर को लाश के लीवर के पास लेके जाओ, तुम्हें लाश का टेम्परेचर पता चल जाए। पेट काटो और टेम्परेचर लो? क्या डॉक्टर साहब आप, अच्छा अच्छा मौका मिल गया आपको बदला लेने का। पेट काटो। कमान अभिजीत, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। हाँ क्यों नहीं दया, थैंक यू वेरी मच। याद दिलाने के लिए मैं कर सकता हूँ। पेट काटो और लीवर का टेम्परेचर। पेट के अंदर पेट काटना है। लीवर टेम्परेचर। सर, लीवर का टेम्परेचर 15 डिग्री है। 15 डिग्री? 15 डिग्री 6 घंटे मतलब बॉस, राज की मौत सवेरे 4 बजे हुई। 4 बजे? 4 बजे? अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पे 6 बजे का अलार्म लगा हुआ था। और नैना घर में आई थी 8 बजे। इसका मतलब मौत 6 और 8 बजे के बीच में हुई थी सर। नहीं बॉस, मौत तो सवेरे 4 बजे ही हुई है, या फिर अभिजीत ने टेम्परेचर गलत नापा। अरे डॉक्टर साहब, जो थर्मामीटर बता रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो फिर बात सही है, फिर 4 बजे ही मौत हुई है। इसका एक ही मतलब है, ये कोई और है जो इस दरवाजे का पासवर्ड जानता है। सर ये विकी है, ये चेंबर इसी ने बनाया। विकी, चेंबर का दरवाजा खोलना है अभी के अभी। सर ड्रिल से मैं इस चेंबर को खोल तो सकता हूँ, मगर इसका हमें बहुत खतरा है। क्या? सर इस चेंबर की हमें पावर सप्लाई पूरी बंद करनी पड़ेगी और साथ ही साथ वो पंप भी। हाँ तो? जिसके जरिए ऑक्सीजन इस पैनिक रूम में जाती है। क्या? सर फिर एक ही रास्ता है, पासवर्ड के जरिए इस चैम्बर को खोलना। देखिए पासवर्ड किसी के पास भी नहीं है, और कोई रास्ता बताओ। कितनी देर लगेगी? ये कोई 7 से 8 घंटे। क्या 7 से 8 घंटे? अब इतनी देर तक अभिजीत बिना ऑक्सीजन के कैसे रहेगा? वही तो। सर आप ड्रिल करवा दीजिए, मैं 8 घंटे काट लूंगा। क्या? अरे अभिजीत क्या बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। ये कमरे के अंदर 4-5 घंटे की ऑक्सीजन तो होगी, उसके बाद देख लेंगे। 8 घंटे तक? हाँ नहीं कुछ नहीं। अरे यार दया, टेंशन मत लो, चुटकियों में निकल जाएंगे ये 8 घंटे। सर आप समझाइए दया को, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं काट लूंगा 8 घंटे बिना ऑक्सीजन के। दया लगता है अभिजीत ठीक कह रहा है, मगर सर ड्रिलिंग की तैयारी शुरू करो जल्दी। और एक बात याद रखना, इस दरवाजे के पीछे सीआईडी का एक हीरा है, हीरा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे जाओ जल्दी।
पूर्वी एम्बुलेंस बुला के रखना। अभिजीत तुम ठीक हो? हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिलहाल तो ठीक हूं। आठ घंटे बिना ऑक्सीजन के अभिजीत बाबू है? घर के अंदर कोई जबरदस्ती गुस्सा नहीं, लाश के ऊपर घाव या कोई चोट के निशान भी नहीं, और फिर भी लाश जल्दी जल्दी सड़ते जा रही। चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है? बॉस मुझे लगता है कि अभिजीत। हाँ डॉक्टर साहब। अभिजीत लाश को जरा अच्छी तरह से चेक करो, देखो लाश पर कोई निशान दिखता है क्या? ओके डॉक्टर साहब ओके। साहब लाश के माथे पे कुछ अजीब से निशान है जो पहले नहीं दिखाई पड़े थे, अचानक दिख रहे हैं। वो कमरे की यूवी लाइट की वजह से अभी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। देखो ऐसे निशान हाथ में नहीं है क्या? ओके hey, हाथ पे भी है डॉक्टर साहब। हाथ पे भी है बॉस, ये जहरी है। अच्छा अभिजीत जरा देख के बता सकते हो ये किस तरीके के निशान है? ये लाल रंग के पैचेस हैं और कोने में हल्के हल्के काले काले धब्बे। मैं आपको उसका फोटो भेजता हूं। हाँ भेजो भेजो। ये क्या हो रहा है? ये क्या? लाइट को क्या हुआ? विकी विकी क्या हुआ? सर विकी को करंट लग गया। दया माय गॉड जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उठाओ सर उठाओ सर जल्दी। बॉस बॉस कुछ भी करके कैसे भी करके हमें ये दरवाजा तो खुलवाना ही पड़ेगा, वरना अभिजीत तो अंदर ही। क्या समझ गए? ये पैनिक रूम का दरवाजा खास किस्म से बना हुआ है, वो तो विकी जैसे ही कोई एक्सपर्ट खोल सकता है, कोई आम कारीगर नहीं। राज ने रात को क्या खाया था? आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? हमें शक है कि रात के खाने में राज को जहर दिया गया। रात के खाने में जहर? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से राज सर रात का खाना ही नहीं खा रहे थे। क्यों? उन्हें किसी ने कहा था कि सुबह खाली पेट योगा करना चाहिए, इसलिए उन्होंने रात का खाना बंद कर दिया था। योगा? योगा मैट मिल गई सर। फैंटास्टिक अभिजीत फैंटास्टिक। सर हाँ सर मैंने पता कर लिया सर, पूरे शहर में विक्की के अलावा इस पैनिक रूम को खोलने के लिए दूसरा कोई आदमी है ही नहीं। क्या? और जब तक विक्की ठीक नहीं हो जाता ड्रिलिंग नहीं कर सकते। क्या? नहीं
विकी के ठीक होने तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। अभिजीत को सही सलामत मैं निकालूंगा सर, मैं ड्रिल करूंगा। सर ये खतरनाक हो सकता है, अगर आपको करंट लग गया तो? नहीं कुछ नहीं होगा, अभिजीत के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा दया। तुम उसको हाथ नहीं लगाना। अभिजीत तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? सर मैं ड्रिल करूंगा। अच्छा अभिजीत। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अब देखो कमरे में कोई डिओडोरेंट स्प्रे है क्या? डियो अगर कोई स्प्रे मिलता है तो मैट पे स्प्रे करके देखो, मैट पे अगर जहर होगा तो रंग बदल जाएगा। ये मैट का कलर चेंज हो गया है सर, हरा हो गया है। इसका मतलब है मैट में जहर था। मैट पर जहर था मगर ये जहर आया कहां से? पूरी काम करो, नीचे जाओ और उस मेड से बात करो, उस नैना से, और पूछो उसे कि घर में मैट लेकर आया कौन, कहां से आया है मैट। सर हाँ ये पता चल जाएगा। हाँ सचिन, राज के कमरे में जो योगा मैट मिला है वो ने किसने दिया था? पता नहीं मैम। तो फिर वो मैट आया कहाँ से? मैम राज सर उसे खुद घर लेकर आए थे। क्या हुआ बॉस? सांकी, राज की बीवी ने जिस औरत का स्केच बनवाया था उस औरत की कोई भी डिटेल्स नहीं राज के फोन पर। ये कैसे हो सकता है? अभिजीत काम करो, उस कमरे में देखो कोई दूसरा सेल फोन है क्या, अच्छी तरह से ढूंढो। मोबाइल मिल गया सर। नाम है उस पर देखो कॉन्टैक्ट कितने। सर मोबाइल पे सिर्फ दो ही नाम है, मीरा और गैरी। गैरी और मीरा? तो ये मीरा कहीं वही औरत नहीं जिसका स्केच राज के बीवी ने बनवाया? अरे बिना परमिशन आप लोग अंदर कैसे आए? आपके लिए गिफ्ट है हमारे पास मीरा जी। गिफ्ट? आपका स्केच, अगर जेल की सलाखों से बच गई तो इसे अपने ड्राइंग रूम में फ्रेम करके लगा दीजिएगा। जेल? पर मुझे क्यों, और आप लोग हैं कौन? हम लोग CID से, और जेल आपको इसलिए क्योंकि राज की मौत में आपका हाथ है। क्या राज की मौत हो गई? ऐसे भोले एक्सप्रेशंस हम पहले भी कई बार देख चुके, CID पर इनका कोई असर नहीं होगा मीरा जी। देखिए मैं कोई भोली बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और राज मेरा पेशेंट है, इसके अलावा हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं है। हमने कब कहा कि आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता था? हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने राज को क्यों मारा। देखिए मैं राज को क्यों मारूंगी, वो मेरा मरीज है बस।
वो आपका मरीज था तो फिर रेस्टोरेंट में क्या करने गई थी आप उनके साथ? तो ये कौन सी बुक में लिखा है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ बाहर नहीं जा सकती? पर अगर पेशेंट अपनी बीबी को देख के डर जाए तो मतलब दाल में कुछ काला जरूर है, समझे मीरा जी? हाँ, क्योंकि राज ये नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को भी पता चले, क्योंकि उनका मानसिक इलाज चल रहा था। मानसिक इलाज चल? वैसे राज को बीमारी क्या थी? उन्हें एंजाइटी का प्रॉब्लम था। और उनकी एंजाइटी दूर करने के लिए आपने उन्हें योगा करने की सलाह दी थी, राइट? जी, क्योंकि योगा हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। बेशक, लेकिन अगर योगा करने वाले के मैट पे जहर लगा दिया जाए तो बेचारा वो योगा करने वाला इतनी ऊपर पहुंच जाता है जितनी ऊपर राज जी पहुंच गए। योगा मैट पर जहर? जी हाँ, आपने यही अनोखा तरीका अपनाया राज जी को मारने का, समझे? फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैंने राज को नहीं मारा और ना ही वो मैट मैंने दिया उसे, और मेरे पास कोई वजह भी तो नहीं है उन्हें मारने की। तो हो सकता है मारने की वजह कैरी के पास। कैरी? ये नाम तो मैंने पहले सुना है। कहाँ सुना? ये नाम तो मैंने राज के ही मुंह से सुना है। वो कैरी नाम के किसी व्यक्ति को फोन पर डांट रहे थे। डांट रहे थे? अच्छा, किस बात पे? देखिए, ज्यादा तो मुझे कुछ याद नहीं है, पर वो कह रहे थे कि तुम्हारी ब्लैकमेलिंग अब और नहीं चलेगी। ब्लैकमेलिंग? यानी सर, गैरी राज को ब्लैकमेल कर रहा था? आखिर ये गैरी ऐसा कौन सा राज जान गया था ये राज को ब्लैकमेल करने लगा था? हेलो, हाँ, क्या गैरी का पता चल गया है? निखिल, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारो। क्या बात है साहब, कोई भागा हुआ मुजरिम छिपा है क्या यहाँ पर? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। गैरी का नाम सुना आपने? गैरी? नहीं साहब, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। वैसे ये वेयरहाउस है किसका? राज जी का। राज का है? सर, अंदर तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? और ये वेयरहाउस राज का है, तो गैरी का मोबाइल यहीं पे ट्रेस हुआ है। इसका मतलब गैरी यहीं कहीं छिपा बैठा है। ये इतना सारा धुआं कैसे? अंदर खाना बन रहा है साहब। हाँ। खाना बनाने के लिए इतना धुआं? जी। आखिर ऐसा क्या पका रहा है? चल के देखते हैं। सर, खाना बन रहा है, मैं बता रहा हूँ सब। अभी खिलाते हैं। आप क्या कर रहे हैं आप लोग? Hey, ये चला। तो ये पक रहा है खाना तुम्हारा? अपनी भलाई चाहते हो ना तो सर से बताओ। जा रहे हैं आगे। मेरी भलाई की छोड़ी, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब क्या जरा?
बाहर निकलो। चलो आगे आओ। अब बताओ क्या चल रहा है यहाँ पे? वो राज जी और गैरी जी के कहने पर हम लोग ये काम करते हैं। कहने पे क्या काम करते? वो फ्रोजन चिकन के बॉक्सेस वो ए? सर गिरेगी सर। माय गॉड क्रिस्टल मेथ। क्रिस्टल मेथ? हाँ निखिल, ये एक ऐसा ड्रग है जो मासूम लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। एक काम कर, पूरा गोडाउन छान मार, देखो क्या मिलता है। तो ये बात है, फूड का बिजनेस सिर्फ एक मुखौटा था दुनिया की नजरों में धूल झोंकने का, और राज और गैरी का असली बिजनेस ड्रग्स का था। जी, वो राज सर और गैरी सर ये फ्रोजन चिकन के डिब्बों में ड्रग्स को एक शहर से दूसरे शहर तक सप्लाई करते थे। सर हम पर आज तक कोई कभी शक भी नहीं कर पाए, लेकिन आज आप लोगों ने हमारा पूरा भंडाफोड़ कर रख दिया। सर अगर राज और गैरी पार्टनर्स थे तो गैरी राज को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? अच्छा, राज और गैरी में कोई अनबन थी? नहीं सर, उनमें तो बहुत प्रेम था, सगे भाइयों से भी ज्यादा प्रेम था उन दोनों में। सर गैरी जी तो राज सर को कभी ब्लैकमेल कर ही नहीं सकते। सर इसका मतलब वो साइकियाट्रिस्ट मीरा हमसे झूठ बोल रही थी कि गैरी राज को ब्लैकमेल कर रहा था, पर क्यों? सर चलो साथ में। चलो इस आदमी के गले में जहर इंजेक्ट करके मारा। अरे ये तो गैरी सर है। तुमने मारा इन्हें? नहीं मैम, मैंने नहीं मारा। हम लोग ड्रग्स बनाते, मर्डर नहीं करते। इसका मतलब इस केस में कोई तीसरा आदमी भी शामिल है जिसे गैरी और राज दोनों से प्रॉब्लम थी। ये काम जरूर वरदान ने किया। कौन है ये वरदान, कहां पे है? राज और गैरी सर का पार्टनर था। ये पार्टनर आपका है? सर पता नहीं, वो पिछले एक साल से गायब। इसका स्केच बना सकते हो? क्या कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? हाँ, एक साल पहले एक पार्टी के कुछ फोटोज मेरे कंप्यूटर में है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। सर ये वरदान है। सर इसकी शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। ये उसका स्पेक्स हटा दें और ये फ्रेंच बियर्ड, थोड़े से बाल अगर काट दें तो फिर माय गॉड, तो ये खूनी है। जल्दी ठीक हो?
आप लोगों के रहते मुझे क्या हो सकता है। अभी हाल बहुत खराब है, हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। हाँ सर चलो। क्यों क्यों मारा तुमने गैरी और राज को? उन्होंने मुझे धोखा दिया था। मतलब राज और गैरी ने? हाँ, वो दोनों मेरे बिजनेस पार्टनर थे लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपना पार्टनर समझा ही नहीं। मेरे साथ धोखा किया उन लोगों ने। तो धोखे का बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों का खून कर दिया हा? और आप मीरा जी, योगा करने की चटाई मीरा जी आप ही ने दी थी ना राज को? क्यों? क्योंकि मैं वरदान से प्यार करती हूँ और अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सुन लिया दया, मीरा जी अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो फिर मीरा जी अपने इस प्यार के लिए जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते बैठना, क्योंकि आपका ये प्यार अब फांसी पर लटकने वाला है।